तो आइए नजर डालते हैं आज के कुछ समाचारों पे। नमस्कार। गुरु का स्थान सबसे ऊंचा, गुरु बिन कोई न दूजा, गुरु करे सबकी नौ पार, गुरु की महिमा सबसे अपार। हैप्पी टीचर्स डे। आज शिक्षक दिवस है, तो दर्शकों आपको पता ही होगा शिक्षक दिवस का इतिहास और हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को 1962 से शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपने छात्रों से जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की इच्छा जताई थी। दुनिया के 100 से ज़्यादा देशों में अलग अलग तारीख पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देश के पहले उप राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुमानी गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बचपन से ही किताबें पढ़ने के शौकीन थे और स्वामी विवेकानंद से काफ़ी प्रभावित थे। राधाकृष्णन का निधन चेन्नई में 17 अप्रैल 1975 को हुआ था। जब डॉक्टर एस राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो उनके कुछ छात्र व मित्र उनके पास पहुंचे और उनसे अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना जन्मदिन मनाने की अनुमति दें। उन्होंने उत्तर दिया कि मेरे जन्मदिन को अलग से मनाने के बजाय इस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो यह मेरे लिए गौरवपूर्ण सौभाग्य होगा। तब से उनकी जयंती यानी 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाने लगा। आज शिक्षक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खांडू और शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर ने ईटानगर के स्टेट बैंकेट हॉल में 40 शिक्षकों को शिक्षा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया। पेमा ने सभी पुरस्कार विजेताओं को और उनकी ईमानदारी और संपूर्ण के लिए धन्यवाद और बधाई दी। भाषा बचाओ संस्कृति बचाओ के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज 6ठी से 8वीं कक्षा के लिए 3री भाषा की पुस्तकों को का विमोचन किया। लुप्त प्रिय भाषाओं के संरक्षण की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है। खांडू ने स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग SCERT और निशी वांगचो गालो तागिन कामिन टारोंग ईदू और तांगसा समुदाय के CBOs को इस काम के लिए बधाई दी। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल BD मिश्रा ने शनिवार को खेल और युवा मामलों के मंत्री मामा नातुंग के साथ बैठक के दौरान संभावित खेल युवाओं की पहचान करने और उन्हें कम उम्र से ओलंपिक के लिए तैयार करने पर जोर दिया। राज्यपाल ने जापान में हाल ही में संपन्न ओलंपिक में पूर्वोत्तर के खिलाड़ियों की सफलता का हवाला दिया और कहा कि राज्य के खेल विभाग के संपृक्त प्रयास से अरुणाचल प्रदेश खेलों में एक पावर हाउस होगा। मिश्रा ने राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में अरुणाचल के खिलाड़ियों की सफलता के लिए मंत्री मामा नातुंग की सराहना की। उन्होंने कहा कुछ क्षेत्रों में ध्यान देने की आवश्यकता है, एक मजबूत राज्य कोचिंग प्रणाली का विकास, जहां आवश्यक हो वहां खेल दवाओं का परीक्षण और समर्थन, उच्च प्रदर्शन वाली खेल सुविधाएं और परीक्षण केंद्र, और जूनियर एथलीटों के विकास के लिए मार्ग को मजबूत करना। मिश्रा ने यह भी कहा कि राज्य सरकार के विभिन्न नीति कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य का नाम रोशन करने वाले खिलाड़ियों के कल्याण का ध्यान रखा जाना चाहिए। इससे पहले खेल मंत्री ने राज्यपाल को अरुणाचल के होनहार खिलाड़ियों की पहचान करने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा दी गई गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी पुलिस ने शनिवार को सिजोसा पाके केसांग जिले के और विश्वनाथ चराली असम इलाके में विभिन्न स्थानों से 4 किशोरों सहित 7 लोगों को गिरफ्तार कर दोपहिया चोरों के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया और 11 दोपहिया वाहन बरामद किए। ICR SP जिमी चिराग ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार किए गए लोगों में से 3 की पहचान गोपाल गिरी और नवज्योति नजारी बालीजूरी के और
असम के तिनसुकिया में मैकेनिक के रूप में काम करने वाले दीपक सरगिरी के रूप में हुई है। एसपी ने बताया कि चारों आरोपी को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। जब से चिंपू पुलिस स्टेशन ने काम करना शुरू किया, हमें दो पहिया चोरी के मामले की रिपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। चिंपू PSOC SI नरेश निशांत, SIT मर्डे, हेड कांस्टेबल जी संगे और कांस्टेबल्स अजय कुमार, एन बोले, सुबनकर सिंह और विकास सोंगथिंग की एक टीम को सक्रिय किया गया था। उन्होंने बताया कि जिन लोगों की बाइक चोरी हुई थी और उनके स्थानीय सूट ने एक संदिग्ध पर इनपुट दिया था, जिसके जरिए पूरे गिरोह का भंडाफोड़ किया गया था। चिरम ने कहा, हमने पक्के के संग में सिजोसा के तहत बलीजुरी गांव असम में विश्वनाथ चराली क्षेत्र के तिनसुकिया और कुछ ईटानगर इलाके से 11 दोपहिया वाहन बरामद किए। एसपी ने कहा, बरामद बाइक में 3 KTM मॉडल्स, 2 बजाज पल्सर 180, RS200, R15, एपेरिया स्कूटर, 1 यमहा आरजेट और 1 यमहा फेसिनो शामिल है। उन्होंने बताया कि गिरोह का काम रात में चोरी करना था और बाइक चोरी कर सीधे सिजुसा इलाके में जाकर होलंगी चेक गेट को दरकिनार कर 2,000 से 3,000 रुपये के भाव में महंगी बाइक बेचनी थी। एसपी ने आगे बताया कि ईटानगर में बढ़ते दोपहिया चोरी के मामले को देखते हुए राजधानी पुलिस ने ईटानगर SPDO की निगरानी में ईटानगर और नाहरलगुन में रात्रि गश्त तेज कर दी है। राजधानी पुलिस नागरिकों को सुरक्षा और सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। हमें जनता से सहयोग की आवश्यकता है, एसपी ने कहा, और जनता को अपनी बाइक और कार पार्क करते समय सतर्क रहने की सलाह दी। अरुणाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष PD सोना ने शनिवार को अरुणाचल में चीन भारत सीमा पर स्थित जिलों के विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की विकास संबंधी जरूरतों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। स्पीकर PD सोना, जो चीन की सीमा से लगे मेजुका विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, ने कहा कि सीमावर्ती गांवों से शहरी क्षेत्रों में लोगों के प्रवास को रोकने के तरीकों पर चर्चा करने और खोजने के लिए बैठक आवश्यक थी। स्पीकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ रहने वाले लोग अभी भी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, जिसके कारण वे बेहतर जीवन की तलाश में शहरी क्षेत्रों में पलायन करते हैं, और सुझाव दिया कि सीमावर्ती क्षेत्र को प्राथमिकता के आधार पर विकसित करने की आवश्यकता है। विधायक फुलपा सिंह मुचुमिति, सांगसालू पोल, लोकम तसर, सिरिंग टाशी और तलम ताबो ने इस तरह की चिंताओं को प्रतिनिधित्व किया और मुद्दों को उजागर करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के विधायकों का एक साझा मंच बनाने का सुझाव दिया, क्योंकि व्यक्तिगत अनुरोध प्रभावी नहीं है। तदनुसार सदस्यों ने अरुणाचल प्रदेश के भारत चीन सीमा विकास विधायक फोरम का गठन किया, जिसमें सोना इसके अध्यक्ष, तसर इसके संयोजक और अन्य सदस्य थे। विधायकों ने मौजूदा समूह एक के बजाय मौजूदा BADP दिशा निर्देशों को संशोधित करने, फंड बढ़ाने और ब्लॉक वाइज उपयोग प्रमाण प्रस्तुत करने का भी सुझाव दिया। विधायकों ने कहा कि अनावश्यक रूप से BADP योजनाओं के कार्यान्वयन में बाधा उत्पन्न होती है। फोरम द्वारा जल्द ही मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपने की उम्मीद है, जिसमें उनकी शिकायतों पर प्रकाश डाला गया है। जिला निगरानी तवंग के सूचना के अनुसार आज जिले में कुल 15 कोरोना टेस्ट किया गया, जो सभी RAT से किया गया। इनमें से 3 पॉजिटिव पाया गया। आज जिले में कुल 37 कोरोना एक्टिव केसेस हैं, 33 होम आइसोलेशन, 1 डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और 3 कोविड केयर सेंटर में है, और आज फिर से 4 कोरोना पेशेंट कोरोना से ठीक होकर डिस्चार्ज कर दिया गया। तो इन्हीं खबरों के साथ मैं टाशिडनुप आपसे लेता हूँ विदा। कल कुछ नए समाचारों के साथ फिर होगी मुलाकात। शुभ रात्रि, जय हिंद।